वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम चेतन जहांगीर, अपनी महिंद्रा बोलर इसके अंदर देखो यार, पहले रिसेंटली थोड़े दिन पहले क्या है कि अपनी गाड़ी के अंदर ये स्पीकर इंस्टॉल किया था मैंने, जो कि यार सोनी कंपनी का है, एक्सप्लोड ऐसे कुछ है, जो कि यार मैंने रिसेंटली थोड़े दिन पहले इंस्टॉल किया था अपनी गाड़ी के अंदर। तो यार आपको बताऊँ तो इसको मैंने अभी रिमूव कर दिया। हालांकि अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे दो ही स्पीकर मैंने इंस्टॉल करे थे, 6 इंची का भी था मेरे पास उस समय, तो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया था। उसका एक अलग रीज़न था, जो कि यार मैं अभी आपको बताऊँ तो देखना, क्योंकि यार 6 इंची का देखो एक तो स्पेस नहीं था मेरी गाड़ी के अंदर, फिर देन मैंने इसके 4-4 इंची के दो स्पीकर्स थे मेरे पास, जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए थे मैंने रिसेंटली। सो भी यार मैंने इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि यार इसमें थोड़ी सी ये खराबी सी आ गई थी, जिसकी वजह से इसको मेरे को रिमूव करना पड़ा। मतलब इसकी आवाज़ की क्वालिटी थी ना वो, कि यार सही से नहीं आ पा रही थी, तो फिर मेरे को ये रिमूव करना पड़ा। हालांकि देखो यार ये बेसिकली नॉर्मल स्पीकर्स आते हैं, जैसे कि यार कंपनी से उनसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, बट यार इसके अंदर पता नहीं किस रीज़न से इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो आखिर में अपने को रिमूव करना ही पड़ा। ये वैसे तो मेरे को इतनी आवश्यकता नहीं थी इसको, फिर वह क्या है कुछ ज़्यादा ही आने लग गए धीरे धीरे, तो फिर आखिरकार में मेरे को रिमूव ही करना पड़ा। तो अभी जैसे कि यार रिसेंटली मैंने अभी बेस्ट ट्यूब इंस्टॉल कर ली अपनी गाड़ी के अंदर, मतलब एक वीडियो भी बना चुका, जो कि यार उसके मतलब कि यार प्रोसेस किस प्रकार से इसके अंदर बेस्ट ट्यूब इंस्टॉल करेंगे अपनी गाड़ी के अंदर, वो वीडियो तो मैंने अलग से बना दी। बट जो अभी जो अपनी गाड़ी के अंदर बेस्ट ट्यूब इंस्टॉल कर दी ना, तो वो भी उसकी क्या कि आपको आवाज़ भी सुना दूंगा, क्योंकि यार आज मेरे पास AUX केबल नहीं अपनी गाड़ी की, तो फिर मैं आज आपको आवाज़ नहीं सुना सकता, नहीं तो मैं आज ही बनाने वाला था वीडियो। बेसिकली अभी मैं इस स्पीकर को भी रिमूव कर दिया इसकी बना रहा हूँ मैं अभी, तो देखिए यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा भाई, ये स्पीकर रिमूव हो गया अपनी गाड़ी के अंदर से। हालांकि ऐसा स्पीकर देखो ये ड्राइवर साइड इंस्टॉल था, इसको मैंने रिमूव कर दिया, अभी ये एक इधर की साइड रह गया देखो स्पीकर, देखिए यार अभी आपको बता देता हूँ, ये स्पीकर इधर की साइड रह गया, एक नज़र नहीं आ रहा होगा यार अभी आपको, तो एक स्पीकर तो अभी अपनी गाड़ी के अंदर गया। मतलब यार पहले मैंने एक तो लेफ्ट हैंड साइड इंस्टॉल किया था, एक राइट हैंड साइड इंस्टॉल किया था, एक मतलब कि यार 5 स्पीकर्स इंस्टॉल हो गए थे, एक अंडर सीट को स्पीकर इंस्टॉल किया था, अंडर सीट वाले को भी निकाल दिया मैंने, तो यार मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स हो गए थे अपनी गाड़ी के अंदर, लगभग मेरे हिसाब से 500 पहले हो गए थे। अब छठी बेस्ट ट्यूब लगा दी थी मैंने, और एक और रखा है घर पर, वो भी इंस्टॉल करना था, आखिर मैं उसको करा नहीं मैंने। हालांकि आपको बताया तो था मैं कि यार इसको इंस्टॉल कर दूँगा जल्दी ही, पर मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर पाया, वो कि यार उसका अलग रीज़न था। देखो यार अपनी गाड़ी के अंदर एक तो स्पेस नहीं था, मतलब कहाँ इंस्टॉल करे यार उसका, अभी मैं इस यहाँ पर स्पेस हो गया, पर यार यहाँ पर वो मतलब कि यार इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि यार ये खोलने का नहीं आता, कि इसके अंदर बोनेट को खोलने का उसके अंदर प्रॉब्लम फेस होगी मेरे को निकालने में उसको, मतलब यार एडजस्ट नहीं हो पाएगा फ्रंट के अंदर। तो यार वो स्पीकर में जितना हो सके तो उतना पीछे की तरफ ही इंस्टॉल करूँगा, मतलब कि यार इसके अंदर भी यार बोलेरो के अंदर ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिलती थी, कि यार इसके सीट के बोल्ट खोलने पड़ते हैं, बताओ यार स्पीकर डालने के लिए भी, ये रियर सीट दे रखे हैं तो उसके बोल्ट खोलने पड़ेंगे, मतलब कि यार हद हो गई। अभी अपनी तीनों गाड़ी आज घर पर ही खड़ी है, क्योंकि यार अभी मैंने रिसेंटली इसकी वीडियो डाली थी 1-2 दिन पहले, क्योंकि यार वाटर बॉडी से रिलेटेड थी, अब इसका कल मैकेनिक आएगा इसके अंदर, वो डलेगी वाटर बॉडी, हालांकि वो तो आज से ही खड़ी है, बोलेरो भी आज से ही खड़ी है घर पर। अभी तो यार अपनी गाड़ी के अंदर ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी, जो कि इसको अगर अपन इंस्टॉल करेंगे ना इसके अंदर पीछे वाले स्पीकर्स, जो कि यार इसके अंदर सीट को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर स्पीकर इंस्टॉल होगा, ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने के लिए महिंद्रा की, जो कि यार इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दो यार, महिंद्रा भी क्या ही करोगे यार, अपग्रेड कर दो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाए ना। देखो अभी बेसिकली अभी तो क्या ही कर सकते हैं महिंद्रा का, अपग्रेड करे तो बहुत बढ़िया हो जाए, बट यार इसकी बॉडी को भी थोड़ा महिंद्रा भी नीचे हट रहा, बट यार इसका साइड लुक तो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिला था अपनी महिंद्रा बोलेरो का, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है। अभी तो यार अपनी गाड़ी के अंदर भी मैं या तो इसको ही सही करवा कर डलवाऊँ, या फिर दूसरा डलवाऊँ अभी सोच रहा हूँ। देखो अभी मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ JBL के नए डलवा लें स्पीकर्स, और मतलब सारों का ठाकर JBL के डलवा लें ऐसे सोच रहा हूँ मैं, पहले बेस्ट ट्यूब की इसकी वीडियो बना दूंगा मैं अलग से, जो कि यार कल आ जाएगी, जो कि यार कल ज़रूर कन्फर्म आ जाएगी, मतलब कि यार कल तो क्या ही परसों आएगी मेरे हिसाब से, कल या परसों आ जाएगी वीडियो इसकी JBL की, मतलब कि JBL की तो क्या ही है, JBL की बेस्ट ट्यूब है उसकी, मतलब कैसे क्या रिव्यू रहा है उसका, मतलब कैसे क्या आवाज़ आ रही है अपनी गाड़ी के अंदर, वो उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यार उसको मेरे को क्या क्या परेशानी आई थी उसको इंस्टॉल करने में, और कैसे क्या हुई थी। अभी मैं क्या है कि अभी आपको टेस्ट भी करा सकता हूँ, बट यार इसके अंदर FM चलेगा, FM चलते ही फिर वो भाई आप समझ जाते हो कि यार कॉपीराइट आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, इस कारण मैं अभी देखो इसको चला नहीं रहा। देखो अभी ये AUX केबल आ जाएंगे ना, तब अपनी अच्छे से टेस्ट करेंगे स्पीकर्स को, क्योंकि यार कैसे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसी क्या आवाज़ आ रही है, मतलब सब कुछ उस वीडियो के अंदर बता दूंगा मैं आपको, किस प्रकार से मतलब JBL की किस प्रकार से मतलब कि यार परफॉर्मेंस दे रहा है वो स्पीकर, बेस्ट ट्यूब कैसी मतलब बढ़िया है या नहीं, सभी उस वीडियो के अंदर बता दूंगा। बेसिकली अभी तो देखो यार अभी मैं इसको तो रिमूव कर दिया फ्रंट के अंदर से,
अंदर से जो कि यार बेकार आवाज़ सी आ रही थी, मतलब कि यार इसकी वजह से ख़राब हो रही थी आवाज़, फिर मैंने इसको तो रिमूव ही कर दिया। देन अभी टेस्ट किया था मैं उसको, पर हाल फिलहाल तो अभी सही आ रही है, अभी बढ़िया आ रही है आवाज़। तो देखो सही बात बताऊँ तो आपको, अभी तो उसको चलाएंगे तब पता चलेगा वापस से। मैं AUX केबल लगा कर बेसिकली देखो यार चला के दिखा देता हूँ मैं आपको, कल मिल जाएगी आपको वीडियो शायद। वैसे आज के लिए तो बस इतना था, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।